हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक्सरसाइज 2.6 का काम आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 5 है, जो MTG वाली बुक में है, और क्वेश्चन नंबर ए है वो आपकी जो स्पीड वाली बुक है उसमें है। दोनों बुक से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करना। इसमें 10 पार्ट्स लिए गए हैं, तो 10 पार्ट्स को आपको मल्टीप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो दे रखा 2.5 और ये 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 और ये 0.3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधा 25 को 3 से करते हैं तो 75 आ जाता है। अभी स्टूडेंट्स क्या करना, हमें अभी डेसिमल पॉइंट है उसका ध्यान रखना है। तो देखो, इसमें वन प्लेस है, इसमें भी वन प्लेस है, तो कितने प्लेस हो गए, टोटल 2 प्लेस। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वन प्लेस 2 प्लेस, तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ आएगा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 0.75। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 0.75। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा हमने इसको, यहाँ पे आंसर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट का इसमें देखते हैं, तो 51.7 है, तो 51.7 इसमें यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया, और इसको 0.1 से करना है। तो ये 517 होगी, 101 से करना है, तो ये 517 के 517 ही रहेंगे, ठीक है। अभी पॉइंट कहाँ लगेगा, एक प्लेस इसमें और एक प्लेस इसमें, तो टोटल 2 प्लेस हो गए ना, तो 1 प्लेस 2 प्लेस, तो यहाँ लग जाएगा 5.17 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5.17। इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें 5.17 हम अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है, छोटे क्वेश्चन है। केवल क्या ध्यान रखना है इसमें, कि दोनों नंबर में जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको आपको ऐड करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट का देख लेते हैं। इसमें जैसे थर्ड पार्ट इसमें दे रखा है, तो ये है 3168, तो 3168 और पॉइंट कहाँ लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है, और इसको 0.2 से करना है। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, फिलहाल आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, 2 8 16, 2 6 12, और ये 13 हो गए, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया 6, 6 3 3 6, 6 3 3 6 ये आ गया। उसके बाद वन प्लेस इसमें और वन प्लेस डेसिमल के बाद वन प्लेस है ना, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद वन प्लेस, तो वन प्लेस इसका और वन प्लेस इसका, तो 2 प्लेस हो गए ना, तो यहाँ से काउंट करते हैं, वन प्लेस 2 प्लेस, तो ये 2 प्लेस कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका आ जाएगा 63.36। इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इसका देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट का, तो इसमें क्या करना आपको, 1.3 और ये 3.1 है। देखो उल्टे लिखे हुए हैं, फिर भी हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो देखो, इसको इससे किया तो 3 आ गया, फिर इसको इससे किया तो 1 आ गया, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, फिर इसको इससे किया तो 9 आ गया, फिर इसको इससे किया तो 3 आ गया, तो कितना आ गया, 3 9 और 1 10 हो गए, और यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा आपका 403। अभी पॉइंट लगाना है इसमें, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, वन प्लेस तो इसका और वन प्लेस इसका, तो टोटल 2 प्लेस हो गए, तो यहाँ से वन प्लेस 2 प्लेस, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 4.03। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4.03। तो यहाँ पे 4.03 इसका आंसर हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना इसका ये देख लेते हैं, तो ये है आपका 0.05, इसको 0.5 से करना है, 0.5 से करना है। तो स्टूडेंट्स उसमें वैसे तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 5 को 5 से करते हैं, तो कितना रहेगा ये 25। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो इसके हो गए 1 प्लेस इसका, तो 3 प्लेस हो गए, तो यहाँ पे 1 प्लेस 2 प्लेस। अब थर्ड प्लेस के लिए हमें ये 0 लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस कंप्लीट हो गए, अगर प्लेस कम पड़ते हैं तो वहाँ आप 0 लगा के उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगेगा, और इसको ये ढकने के लिए एक 0 और लगा देते हैं इसके सामने। तो स्टूडेंट्स हमारा ये कितना आ जाएगा, 0.025, 0.025। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अभी अपना इसका ये कौन सा 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट को भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये 11.2 है, और इसको 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधी सी बात ये है कि 112 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट लगाने का काम बाद में कर लेंगे। तो देखो, 5 × 2 = 10 हो गए, ठीक है। 5 × 5 = 6 हो गए, ठीक है। और ये 5,
फिर यहाँ पे क्रॉस करते हैं, उसके बाद इसको वन से करते हैं तो टू आ गया, फिर इसका वन आ गया और ये वन आ गया, ठीक है। अब ये ज़ीरो, यहाँ पे एट, यहाँ पे सिक्स और ये वन, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 1680, 1680। अभी इसमें पॉइंट लगाने की बात करते हैं, तो पॉइंट कितने प्लेस के बाद लगेगा, देखो वन प्लेस तो इसका और टू प्लेस इसके हैं, तो टोटल थ्री प्लेस हो गए, तो वन प्लेस, टू प्लेस, थ्री प्लेस, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.680, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि लास्ट में अगर पॉइंट के लास्ट में आपका जीरो है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा आंसर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1.68, इस जीरो को हम लास्ट में छोड़ भी सकते हैं, तो ये आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका नेक्स्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से 1.07 है, 1.07 इसको 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा ये है कि 107 है ये, और इसको 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 214 आ जाएगा, ये 214 आ जाएगा ना, वैसे करो तो वैसे कर लो, 2 7 14, ये 0 आ गया, ये 2 1, तो अभी देखो 1 प्लेस 2 प्लेस इसके, 3 और 4 प्लेस, टोटल 4 प्लेस हो गए। अभी यहाँ से काउंट करते हैं, तो यहाँ से काउंट करते हैं तो कितने आता है, यहाँ से 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस हैं, अभी 4 प्लेस आपको कंप्लीट चाहिए, तो इसका 10 लगा के ना यहाँ पे 4 प्लेस कंप्लीट कर दे, यहाँ पे पॉइंट लग गए और ये आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 0.0214, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 0.0214, ठीक है। अभी इसका भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है, तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आगे वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा काम और कर लेते हैं हम लोग, इसमें डिवाइड करने का भी काम है, तो तीन ये क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ा, ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है, खुद कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है और उनका जो डेसिमल प्लेसेस है ना उनको काउंट करके वहाँ पे पॉइंट आपको लगा देना है। अभी एक्सरसाइज 2.7 का थोड़ा सा काम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.7 में जो मैंने क्वेश्चन नंबर ए है वो लिया है स्पीड वाली बुक से, और क्वेश्चन नंबर वन है वो है आपकी MTG वाली बुक, दोनों बुक में सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए इस ए की वीडियो बनाया मैंने, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे। तो ये आपका डिवाइड करने का है इसमें, तो स्टूडेंट्स इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ये 0.4 है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, तो ये क्या आएगा 4 अपॉन, इसके लिए तो क्या आएगा 1 और इसके लिए 0, और डिवाइड बाई 2 और इसके अपॉन में क्या आएगा 1, ठीक है। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या रहेगा आपका 4 अपॉन 10, अभी डिवाइड ही तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा ये 1/2, तो देखो 2 1 जा और 2 2 जा, ठीक है, तो क्या हो गया ये 2 अपॉन 10 हो गया। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 और जितने 0 होते हैं उतने प्लेस के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, तो ऊपर ये 2 है ये लिखा हमने, तो 1 0 है इसमें, तो 1 प्लेस और इसके बाद ये पॉइंट और यहाँ पे ये, तो इसका स्टूडेंट्स आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग स्टूडेंट्स इसका ये वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको करते हैं, तो 2 4 8 लिखा, तो इसके लिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के लिए तो 1 करना पड़ेगा, और ये 1 0 2 0, तो ये 2 0 आ गए। अब डिवाइड क्या है 4 और ये इसके अपॉन में 1, ठीक है, आगे जब सोल्व करते हैं तो ये 2 4 8, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 4 8 हो गए, इसके अपॉन में 100 आ गया, और ये 4 अपॉन 1 है, तो क्या आ जाएगा ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको काट लेते हैं, यहाँ से कटेगा तो 4 1 जा और 4 6 जा और 4 2 जा, तो ये आ गया आपके 62 अपॉन 100, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसका जब पॉइंट लगाते हैं तो 1 0 है 2 0, तो 2 प्लेस के बाद लग जाएगा, तो 62 तो आपने लिखना ही है, तो 1 प्लेस 2 प्लेस, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये इसका ही ढक्कन लगा दिया इसको ढकने के लिए, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा हमारा 0.62। इस तरह से हम लोग ये वाले क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ ये 6 वाला ही कर लेते हैं, तो यहाँ से इसमें क्या करते हैं, तो ये तो देखो 14 है,
और ये 4 9 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के लिए तो 1 लगाते हैं, और ये कितने प्लेस हैं, दो प्लेस, तो 2 0 लगा दिया हमने। इसके लिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 7/1 करते हैं, ठीक है। इसका फिर आगे करते हैं तो 1 4 4 9 और इसके अपॉन में 100 कर दिए, और ये मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ 7/1 है, तो ये 1/7 हो गया। तो 7 से इसको कट करते हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो 7 1 जा और 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, 27 कर देते हैं, लेकिन 27 आपको नहीं करना है, क्योंकि एक बार 4 नीचे लेके आएंगे फिर डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 207 और अपॉन क्या आ गया आपका, ये 100। तब इसमें कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 प्लेस के बाद लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 और 0 के बीच में यहाँ लगेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.07। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, 2.07 इसका आंसर आएगा। अभी स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क का देख लेते, तो होमवर्क में हमें क्या करना स्टूडेंट्स, सोल एक्सरसाइज 2.6 इन फेयर नोटबुक, एक्सरसाइज 2.6 है वो, फेयर नोटबुक में आपको कम्प्लीटली सोल्व करनी है, ठीक है, कम्प्लीट करना उसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।